हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं वो देने वाले हैं यहाँ पे बिहार में न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बिहार में न्यू वैकेंसी आने वाली है वो है यहाँ पे विद्यालय सहायक के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सब बिहार के जितने भी जो है विद्यालय हैं उसमें जो है सहायक की भर्ती यहाँ पे होने वाली है। तो उसकी भर्ती जो है किस तरह से होगी, इसका जो क्या क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और बिहार के जितने भी आने वाले वैकेंसी है उसका अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विद्यालय सहायक के लिए जो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई स्कूल में 6421 विद्यालय सहायक बहाल होंगे, कंप्यूटर योग्यता वाले को मिलेगा मौका। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि बिहार के जितने भी हाई स्कूल हैं उसमें जो है यहां पे 6421 विद्यालय सहायक बहाल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बिहार की बड़ी वैकेंसी होने वाली है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पूरा डिटेल्स में आप लोग पढ़ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि स्कूलों में 6421 विद्यालय सहायक के पद जो है यहाँ पर सृजित किए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 6421 जो है विद्यालय है उसमें जो है सहायक पद के लिए जो यहाँ पे पद जो है सृजित कर दिए गए हैं। और इनके लिए जो है फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, जो कि यहाँ पे योग्यता जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे पूरे डिटेल्स में अगर पढ़िएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के 6 माह का डिप्लोमा अनिवार्य होगा। और यहाँ पे आप लोग अगर पूरे डिटेल्स में पढ़िएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन करने के लिए शिक्षक दिन भर वसुधा केंद्र में रहते हैं। तो आप लोग देख जानते हैं कि जैसा कि मैट्रिक और इंटर का जो भी फॉर्म निकलता है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है उन लोगों को अब जो है ऑनलाइन फिलअप करने होते हैं। इसके लिए कोई भी विद्यालय में ना तो कंप्यूटर की सुविधा और ना ही वहाँ पे ऑपरेटर की। तो इसके लिए यहाँ पे जो है एक सहायक की भर्ती होगी, जो कि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड उनको जो है नॉलेज होना चाहिए। और जो है जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के फॉर्म भरे जाएंगे वो विद्यालय के थ्रू ही भरे जाएंगे, उसमें कोई भी जो है शिक्षक इन्वॉल्व नहीं होंगे। जितने भी काम होंगे वो सहायक के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज होना चाहिए वो 6 माह का कम से कम होना चाहिए। कोई भी आप लोगों के पास जो है डिप्लोमा, जैसे कि एडीसी है, डीसी है, या आप लोगों का जो है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का जो सर्टिफिकेट होता है उससे रिलेटेड भी अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें जो अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों का क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप लोगों को पोस्ट बता दिया गया और आप लोगों का क्वालिफिकेशन बता दिया गया है कि कौन कौन से जो है कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे ये नहीं अभी बताया गया है कि ये कब से जो है या इनका जो चयन किस प्रकार से होगा और यहाँ पे जो है इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा या ऑफलाइन आवेदन होगा, ये जानकारी जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पर अभी तक जो यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर निगम और जिला परिषद की नियोजन इकाई के माध्यम से अंकों के आधार पर चयन होगा। लेकिन अभी यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन किस तरह से लिया जाएगा। तो जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में इसी तरह से अपडेट देते रहूँगा। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। या इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी पूछ सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो लाइक करें और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।